मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नबी के शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा, जिसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की वजह से खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा हुआ, साथ ही भारत में भी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। इसके लिए सीधे नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि हमने वो बहस देखी है, उसे उकसाया गया है, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कुछ कहा है और बाद में ये भी कहा कि वो एक वकील है, ये बेहद ही शर्मनाक है। नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में FIR दर्ज कराए गए हैं। देश के कई थानों में FIR दर्ज हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की उस याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने देश में कई FIR दर्ज हैं और उसे दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए मांग की गई थी। कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नूपुर के वकील को याचिका वापस लेनी पड़ी। वहीं सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई, उसके लिए ये महिला अकेली जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल अहंकारी चरित्र को दर्शाया है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि क्या हुआ वो किसी पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्हें लगता था कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना वो कोई भी बयान दे सकती हैं। वहीं नूपुर के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने TV पर बहस के दौरान एंकर के सवाल का जवाब दिया था। वहीं नूपुर शर्मा के वकील ने देश के कई थानों में दर्ज FIR की जानकारी दी तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि प्राथमिकियों का क्या हुआ। जब दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब आपके खिलाफ FIR दर्ज की गई है तो किसी ने भी छूने की हिम्मत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया और पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।